बिल्कुल अभी तक का सबसे ज्यादा अलग, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर निभा रही हूँ। बैठो ना। आ रही हूँ। खड़ी क्यों, थक जाओगी बैठ खड़े खड़े। तो आज तक का बहुत ही ज्यादा अलग कैरेक्टर निभाने को मिला है इतने सालों के करियर में। अभी तक जो निभाती आई थी ऐसा लगता था कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद फील हो रहा है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ 50 से 55 किलो का वज़न रोज़ मेरे ऊपर होता है, जो कि बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इन्हीं कपड़ों को पहन के हमें फाइट सीक्वेंस करने होते हैं सेट पे। बहुत डिफिकल्टी, बहुत चोट लगती है, इंटरनल बहुत चोट आई हुई है, बट ठीक है। उस दर्द में ही अलग मज़ा है जो इस मेहनत के साथ लगे, क्योंकि ये रोल ही ऐसा है कि इसको निभाने में मज़ा आता है। ये कैरेक्टर ही ऐसा है जिसके ऊपर 6 महीने लगे इस कैरेक्टर को इख्तियार करने के लिए, तैयार करने के लिए, कि एक एक डिटेलिंग देखी गई है। तो जब हमारी टीम ने, बिहाइंड द सीन चैनल ने, प्रोडक्शन ने इतनी मेहनत की है, पीआर टीम फ्रॉम चैनल, मार्केटिंग, तो हमें इनको फिर पहनते हुए ऐसा लगता है कि इसमें हर एक का दिमाग है, हर एक की मेहनत है, तो ये और खूबसूरत हो जाते हैं और मैं और खूबसूरत लगने लग जाती हूँ। लाइक ऑलवेज बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि क्या है कि आप जब ऐसे कैरेक्टर में आते हो इतने पावरफुल, तो कॉस्ट्यूम भी आपको कुछ उसी हिसाब के दिए जाते हैं, आपकी ज्वेलरी आपको उसी हिसाब की दी जाती है, जहाँ पे कुछ अलग हो और बिल्कुल भी नॉर्मल ना हो। तो हाँ, ये कॉस्ट्यूम उसी डिटेलिंग के साथ बनाया गया है, बहुत मिनिमल ज्वेलरी रखी गई है, आमर ज़्यादा रखे गए हैं। निरुषा जो हमारी डिज़ाइनर हैं, शी इज़ लाइक ऑलरेडी अवार्ड विनर, सो मेनी अवार्ड शी हैज़ गॉट, तो उनके हाथ से ये निकला है, तो मतलब कमाल ही किया है इसने कि लोगों को, मेरे फैंस को पसंद आता है ये। ये कॉस्ट्यूम आई थिंक मेरा मन करता है मैं इसको घर पे भी पहन लूँ। आई एम सो यूज्ड टू दिस कॉस्ट्यूम नाउ, क्योंकि इससे बाहर निकलने के बाद, वो जो इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद तिमनासा पावरफुल होती है ना, वो जो पवित्रा कहीं ना कहीं जो अंदर है वो पावर फील करती है कैमरा पे आने के बाद, वो कहीं ना कहीं बाहर ख़त्म सी होती दिखती है। तो ये कॉस्ट्यूम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत ही माइनर डिटेलिंग्स दी गई हैं, मज़ा आता है यार। चैलेंजिंग है बट स्टिल इट फील सो गुड डूइंग दीज काइंड ऑफ रोल्स। इट फील सो गुड टू बी इन सच काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम जो हटके है, आपको टीवी में कहीं नहीं मिलने वाला एक ऐसा कॉस्ट्यूम। आप उठा के देख लो कितने भी शोज, नॉट टू मेक एनी वन ऑफेंसिव, बट इन मैटर ऑफ कॉस्ट्यूम ड्रामा इफ आई से, नहीं क्या होता है ना, भारी नहीं पड़ गई हूँ अब, ये तो आपको देखने के बाद पता चलेगा कौन किस पे भारी पड़ा। लेकिन ये है कि बुराइयाँ इस बार ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मैंने इतना बवाल कर दिया है ना अभी दुनिया के अंदर, कि इस बार बालवीर अकेले नहीं समेट पा रहा है, तो दूसरे की, एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत पड़ी है। तो जो इस कैरेक्टर की ब्रीफिंग थी, जो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, वो ऐसी थी कि जैसे ये कैरेक्टर मेरे कान में पड़ा, तो नोइंग द फैक्ट कि मुझे इस शो में क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कि मुझे चोट लगेंगी, कि फिजिकली हार्म होगा बहुत ज़्यादा, मैंने आँख कान नाक सब बंद किया और मैं सीधा, मेरा मुंह खुला और मैंने हाँ बोल दिया। गुड वर्सेस इविल, इंटरनेशनल थीम, हीरो को बहुत सारे एवेंजर्स लगते हैं ना एक थेनोज को पकड़ने के लिए, तो उसी वैसे वाला फील आएगा इस बार सबको देख के। ओ ऐसा, फैंस को ये बोलूंगी प्लीज देखना मत भूलिएगा, बालवीर रिटर्न्स सब टीवी पे रात को 8 बजे,
10 सितंबर से प्लीज एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इमेंस लव.